सफलता और लक्ष्य प्राप्त करना अच्छी आदतों पर निर्भर करता है और अच्छी आदतें अक्सर अनुशासन, आत्मनियंत्रण और बुरी आदतों के व्यवहार पर निर्मित होती हैं। लेकिन आत्मनियंत्रण में सुधार करना और अच्छी आदतों का निर्माण करना कहा जाने से आसान नहीं है। ये आप समझते हैं कि जो हम कहते हैं और करने में, कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने शारीरिक और मानसिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। आत्मनियंत्रण में सुधार करने और अच्छी आदतें बनाने के लिए आज हम इन 5 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, जिनको देख के, सुन के और इनको आप यदि अपनी लाइफ में एड ऑन करते हैं तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि आपको अपने आप में कुछ चेंजेज नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन 5 पॉइंट्स की हम बात करते हैं। पहला पॉइंट है कि रिमूव योर टेम्पटेशन। सेकेंड पॉइंट है मेजर योर प्रोग्रेस। थर्ड पॉइंट है लर्न हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। फोर्थ पॉइंट है प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट सेल्फ मोनिटर, कि हम अपने आप को मोनिटर करें। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक अध्ययन के अनुसार बार बार अभ्यास के माध्यम से आत्मनियंत्रण को हम ठीक नहीं कर सकते और उसमें हमें सामान्य सुधार नजर नहीं आता है। इसलिए आप ज़्यादा आत्मनियंत्रण न होने के कारण खुद को पीटना कोसना बंद करें, क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। प्रलोभन का विरोध करने के लिए संघर्ष करने के बजाय प्रलोभन को दूर करें और प्रलोभन को दूर करके अपने आप को और अपने परिवेश को प्रबंधित करके सफलता के लिए खुद को स्थापित करें, सफलता के लिए खुद को एक स्टैंड दें कि यस, अब हम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। मेजर योर प्रोग्रेस, मेरे दोस्त, जो मापा जाता है वह प्रबंधित हो जाता है। साइकोलॉजिकल टुडे के अनुसार अपनी प्रगति की निगरानी करना आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है। निगरानी हमें अपने व्यवहार को उत्तम बनने में मदद करती है। यह आदतों को नियंत्रण करने और बदलने में आसान बनाती है। प्रायोरिटाइज योर थिंग्स, आप अपने काम को प्राथमिकता दें। आप दिन की लिस्ट बनाएं, आप सप्ते की एक लिस्ट बनाएं, आप पूरे महीने की एक लिस्ट बनाएं, जिसमें आपके कौन कौन से काम हैं जो प्राथमिकता उन अपने आप काम आपको कामों को देना है। जो आपके फर्स्ट जो काम करने हैं उनको आप प्रायोरिटी दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप फील करेंगे, आप महसूस करेंगे कि हाँ, आज मैंने कितना काम किया है, कौन सा मेरा इंपॉर्टेंट काम था उसको मैंने पहले फिनिश किया है। तो ये सब यदि आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है अपने आप को मॉनिटर करना, अपने आप को कंट्रोल करना कि यस, मैंने इस काम को टाइम से किया। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो होता है, अव्यवस्था होती है, आप में तनाव होता है, अपना समय बर्बाद होता है। तो आपको अपने काम को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। आपको मॉनिटर करें। अब बात आती है कि मैं अपने आप को कैसे मॉनिटर करूं। जैसे कि आज आपने कितना भी काम किया है, उस काम का रिजल्ट क्या रहा, कितना समय आपने अपने किस काम को दिया, यहां आपको अपने कामों को प्राथमिकता देनी है। यदि आपने अपने काम को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया तो आपके काम करने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में आप मुझे आपका सुझाव